जेडीयू के बागी नेता शरद यादव और अली अनवर को बगावत महंगी पड़ गई है। दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शरद यादव और अली अनवर पर कार्रवाई की जानकारी जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दी। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव और अली अनवर को जोर का झटका लगा है। दोनों नेताओं को नीतीश का विरोध करना महंगा पड़ गया। इन दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जेडीयू के पिटीशन पर एक्शन लेते हुए दोनों नेताओं की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। जेडीयू ने नवंबर में राज्यसभा के सभापति के सामने इन दोनों नेताओं के खिलाफ प्रस्ताव रखा था और पार्टी विरोधी काम करने का हवाला दिया था। 17 नवंबर को चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष मानते हुए उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। शरद यादव और अली अनवर पर कार्रवाई की जानकारी जेडीयू संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर दी। जेडीयू ने शरद यादव की जगह आरसीपी सिंह को अगस्त में राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाया था। अगस्त में ही शरद यादव को राज्यसभा में जेडीयू के नेता के पद से हटाया गया था। शरद यादव पार्टी के खिलाफ जाकर लालू की रैली में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से शरद यादव नाराज थे। आरसीपी सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि जेडीयू के लिए बहुत बड़ी जीत है, इसके लिए नीतीश कुमार को बधाई। शरद यादव और अली अनवर ने राज्यसभा सदस्यता रद्द किए जाने को बदले की कार्रवाई करार दिया है।